अच्छा, DGISI और वजीर खारजा ने कामयाब तरीन दौरा अफगानिस्तान किया है, उसको कैसे किस नजर में देखते हैं? अब कामयाब का मतलब यह है कि वो खैर 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 खैरियत से गए और वापस भी आ गए हैं, शायद या आ रहे होंगे या आ जाएंगे, तो इस लिहाज से कह रहा हूँ कामयाब दौरा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने रात को ख्वाब देखा और मैंने ख्वाब में पिंडी वाला जो मेरा घर है, आर्मी एरिया में है वो घर, अच्छा जी, तो उसके मैं देखती हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी शेरवानी मंगवा रहे होते हैं और बड़े नर्वस साउंड कर रहे हैं और एक्साइटेड भी हैं लेकिन नर्वस भी हैं। और उनको कहा गया कि बस अभी कुछ 5-10 मिनट में आपने आगे जाके तकरीर करनी है, कुछ मेरे अजीज हमवतनों स्टाइल की तकरीर करनी है। तो मैं अपनी बहन के कमरे में से निकलती हूँ और उनको देखती हूँ कि ये कर रहे हैं। तो मैं उनको कहती हूँ, शाह जी देखिए, आपको एक और मौका दिया जा रहा है, इस दफा अल्लाह का वास्ता ईमान को दिल में रखें और नीयत को साफ करके, और ईमान पक्का, ईमान नहीं कमजोर होना चाहिए। और मेरी आवाज टूट रही होती है, कहती है ये मुल्क का सवाल है और अब आपने ईमान नहीं कमजोर होना चाहिए। तो आगे से वो सर हिलाते हैं। तो मैं सुबह उठी, मैंने बिलाल को बताया, मैंने कहा बड़ी मुझे अजीब बात हुई, कहते वो जनरल प्रोफेसर वो गए हुए हैं अफगानिस्तान, तो पता नहीं कि ये शाहजी या फैज जनरल फैज के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आई। शायद फैज जनरल फैज का ये आखिरी दौरा है DGISI अफगानिस्तान हो, तो जो वहां पे जो उनके ताल्लुकात उन्होंने बनाए होंगे कुछ पिछले अरसे में, उसको कोई मतलब आखिरी कोई बातचीत करने के लिए वो गए हों और शाह महमूद कुरैशी उनके साथ गए हैं। तो अब मुझे नहीं पता कौन किस पे नजर रखने के लिए गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी का तो शायद आखिरी ये ट्रिप नहीं था, लेकिन जनरल फैज का जाहिर है कि ये DGISI आखिरी ट्रिप था। तो ये बात भी बनती है क्योंकि अफगान तालिबान के साथ जो मेन बातचीत हुई है वो अमेरिका की रही है दोहा टॉक्स के बाद, और जो अशरफ गनी साहब को भी फोन करके वहां से निकाला गया है वो भी अमेरिका ही की गनीमत है, और जो रातों रात अमेरिका वहां से भागा है वो भी उनका एक तरफा फैसला था, यानी नेटो से उन्होंने अपेरेंटली कोई सलाह मशवरा नहीं किया। तो मुझे नहीं पता कि कौन सा पैगाम और किसका पैगाम लेके शाहजी और जनरल फैज गए हैं अफगान तालिबान के पास, लेकिन इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मतलब आपको पता है कि सिर्फ इमरान साहब ही तो लाडले नहीं है, और भी लाडले हो सकते हैं। लाडले रखने पड़ते हैं, एक लाडले के बाद आता लाडला, और फिर यहाँ पे लाडले का भी लाडला होता है, पता है आपको, और लाडले का भी लाडला। शाहजी तो बहुत पुराने लाडले हैं। जी शाहजी बड़े पुराने लाडले हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, महंगाई एक बहुत